हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सिक्स, सब्जेक्ट संस्कृत। आज हम वीडियो बना रहे हैं 9B, पाठ हमारा दूसरा ही चल रहा है अभी। देखो बेटा, हमने इससे पिछले वीडियो में आपको इसके वीडियो जो हम बनाए पिछले वीडियो में, उसमें हमने आपको इसके हिंदी अर्थ और बताया था। आज उसी से आगे हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो हिंदी अर्थ समझाया वो आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो हम शुरू करते हैं बेटा। पैराग्राफ नंबर जो 5 है हमारा, यानी कि ग, इससे पहले हमने क, ख, ग, घ, ये 4 जो पैराग्राफ थे, इनका हिंदी अर्थ समझा, पढ़ा, सुना। आज हम इसका 5वां जो पैराग्राफ है, यानी ग, ये शुरू कर रहे हैं। तो आप सभी ध्यान दें बेटा इधर। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये चित्र दिख रहे होंगे, यहाँ 3 थालियाँ रखी हुई हैं। और थालियाँ यानी कि कौन सा लिंग हो गया बेटा? स्त्रीलिंग। ध्यान रखना इस बात को। मैंने कहा था मेरा और मेरी शब्द मैच करना है, मेरा थाली और मेरी थाली, तो मैच हो रहा है, यानी स्त्रीलिंग हो गया। एतहा, कहा। एतहा, एतहा का अर्थ होता है ये सब। क्या होता है? ये सब। कहा, कौन है? ये सब कौन है? ये सब क्या है? एतहा, ये सब। इस थाली कहा, थालियाँ हैं। ये सब थालियाँ हैं। किम, क्या। एता, ये सब। गोलाकारा, गोल हैं। क्या, ये सब गोल हैं। गोलाकारा मतलब गोल आकार, तो गोल हैं, ये गोल आकार वाली हैं। आम, आम का अर्थ है बेटा हाँ। एता, ये सब। गोलाकारा, गोल ही, यानी ही है। हाँ, ये सब गोल ही हैं। वापस सुनो, ये सब कौन है या क्या है? ये सब थालियां हैं। क्या, ये सब गोल हैं? हाँ, ये सब गोल ही हैं। फिर देखो इसके शब्दार्थ लिखे हुए हैं यहाँ पर। एतहा, ये सब स्त्रीलिंग। कहा यानी क्या है या कौन है। आम का अर्थ हाँ। गोलाकार का अर्थ गोल। एव का अर्थ ही। स्थालिका का अर्थ है थालियां। तो ये शब्दार्थ आपको अपनी CW की कॉपी में करना है, ये ध्यान रहे बेटा। इसके बाद इसका जो हिंदी अर्थ है, ये आपको HW की कॉपी में करना है, और फिर शब्दार्थ को भी याद करना है और हिंदी अनुवाद को भी याद करना है। इसके बाद देखें बेटा, हम पढ़ आगे की ओर चलते हैं। इसमें लिखा है कि एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए, यानी ये आपको लर्न करना है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, एक पद उत्तर दीजिए। एतहा, कहा, ये सब क्या हैं? तो क्या हैं ये सभी? अभी पढ़े था, अभी अभी देखा आपने इधर, ये सब क्या हैं? थालियां हैं। तो ये क्या आएगा? स्थाली, कहा, से एक पद का है ना, इसलिए स्थाली कहा, यानी थालियां। दूसरा है कि मेता, गोला का रहा। क्या ये सब गोल हैं? हाँ, आम, हाँ के लिए क्या आएगा बेटा? आम। गोलाकारा किम, गोल क्या है? थालियाँ हैं, स्थाली कहा। और चौथा है स्थालिका का आकार, स्थालीन थालियों का आकार कैसा है? गोल है, तो गोला का रहा। इसके बाद है पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। एता का, ये सब क्या है? तो एता स्थालिका, ये सब थालियां हैं। इसी में अगला क्वेश्चन है बेटा, किम एता गोलाकारा, किम यानी क्या, एता ये सब गोलाकारा गोल हैं, क्या ये सब गोल हैं? कौन सा आएगा? आम, हाँ। एता गोलाकारा, एता ये सब गोलाकारा गोल हैं। तो आपको समझ आ गया, ये आपको सिर्फ याद करना है। इसके बाद में अगला जो पैराग्राफ है बेटा, वो हम ध्यान देते हैं। अगला यानी कि 6ठा जो पैराग्राफ है, च, ता, का। अब पहले आया था ये सब, अब आएगा वे सब। ता, का। देखो यहाँ पर 3 बकरियां हैं, तो बकरियां भी स्त्रीलिंग होता है, इसलिए ता। वे सब का कौन है? वे सब कौन है या वे सब क्या है? ता, वे सब अजाहा बकरियां हैं, वे सब बकरियां हैं। ता किम कुर्वंती, ता वे सब किम क्या कुर्वंती कर रही हैं, वे सब क्या कर रही है। ता चरंती, ता यानी वे सब, चरंती चर रही है, वे सब चर रही है। चरना मतलब होता है खाना, यानी यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा वो सभी घास खा रही हैं।
ठीक है बेटा, एक बार फिर देखो, वे सब कौन है या क्या है? वे सब बकरियां हैं। वे सब क्या कर रही हैं? वे सब चर रही हैं। अब इसमें देखो शब्दार्थ ता, ता यानी वे सब स्त्रीलिंग में, इसके बाद अजा यानी बकरियां, और चरंती यानी चरती हैं या चर रही हैं। तो ये इसमें तीन शब्दार्थ हैं, ये आपको सी डब्ल्यू की कॉपी में करना है। इसके बाद इसमें जो हिंदी अनुवाद है ये आपको एच डब्ल्यू की कॉपी में करना है। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा। करने तरीके ने तुम्हें बताया था पहले भी, इसमें भी ध्यान में बताया था, केता का बराबर ये सब क्या है। ठीक है बेटा, फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर लिखना है, एक लाइन छोड़ना है, फिर लिखना हिंदी अर्थ संस्कृत संस्कृत तो सामने उसका हिंदी अर्थ, और एक लाइन छोड़े करना है। ऐसे इसमें भी ता का वे सब क्या है, एक लाइन छोड़नी है, ता आजा वे सब बकरियाँ हैं, फिर एक लाइन छोड़नी है, ताकिम करो तो बराबर वे सब क्या कर रही हैं, फिर एक लाइन छोड़ोगे आप, ता चरंती वे सब चर रही हैं। इस प्रकार इसका हिंदी अर्थ कंप्लीट होगा होमवर्क कॉपी में। इसके बाद इसके जो कुछ अभ्यास प्रश्न हैं वो हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं बेटा, ध्यान सुनिए आप सभी, इनको याद करना है। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए, ता का वे सब कौन है, कौन है वे सभी, बकरियां हैं, तो अजाहा, अजय कर रहा है बकरियां। दूसरा है ताकिम कुर्बंती, वे सब क्या कर रही हैं। हाँ बेटा देखो, ताकिम कुर्बंती वे सब क्या कर रही हैं, तो बकरियां देखो क्या कर रही हैं, चित्र में चर रही हैं, तो बकरियां कितनी है, बहुवचन है, तो बहुवचन में क्या आएगा, चरंती, क्योंकि बकरियां चर रही हैं, यानी वे सब बकरियां चर रही हैं। का चरंती कौन चर रही हैं, बकरियां, तो क्या आ जाएगा, अजाहा। और चौथा है अजा किम कुर्वंती, बकरियां क्या कर रही हैं, तो बकरियां चर रही हैं, चरंती आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला ता का वे सब क्या है या वे सब कौन है, तो ता अजाहा वे सब बकरियां हैं। दूसरा इसका अजा किम कुर्वंती, बकरियां क्या कर रही हैं, अजा चरंती की बकरियां चर रही हैं। तो ये आपको लर्न करना है, यानी याद करना है बेटा, समझ आ गया होगा आपको क्या कह रहा हूँ मैं। हाँ जी बेटा, तो आप समझ गए होंगे कि आपको आज शब्दार्थ याद करना है, हिंदी अर्थ याद करना है, और ये एक पद में उत्तर दो, पूर्ण वाक्य उत्तर दो ये लिखे हुए हैं, ये आपको याद करने हैं। तो आज पार्ट जो दो है इसका हिंदी अर्थ कंप्लीट हो गया। तो आज की वीडियो में बस बेटा इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।